हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय वे ऑफ लिविंग। दोस्तों, आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बनाने में बहुत ही आसान है और ये बड़े और बच्चों सभी को पसंद आएगी। ये रेसिपी आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ साबूदाने के कटलेट। तो चलिए शुरू करते हैं। कटलेट बनाने के लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, आइए देखते हैं। 2 बोल्स ब्रेड क्रम, 1 बड़ा बोल साबूदाना जिसे मैंने 6-7 घंटे के लिए सोक कर लिया, 5 to 6 बॉइल्ड पोटैटो जिसे मैंने मैश कर लिया है, 1 टीस्पून क्रश्ड की हुई ब्लैक पेपर, 1.5 टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून सॉल्ट, थोड़ी सी चॉप्ड कोरिएंडर लीफ, 4 to 5 हरी मिर्च और 1 टुकड़ा अदरक का जिसे मैंने फाइनली चॉप्ड कर लिया है। हम एक बोल लेंगे और उसमें बॉइल्ड की हुई पोटैटो और साबूदाना ऐड करेंगे। अब इसमें चॉप्ड जिंजर चिली, जीरा, ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करके इसमें चॉप्ड कोरिएंडर लीफ डालेंगे और एक डो प्रिपेयर कर लेंगे। डो हमारा प्रिपेयर हो गया है, अब हम इसकी कटलेट के लिए बॉल बनाएंगे। मैंने राउंड शेप में कटलेट बनाए हैं, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग किसी भी शेप में कटलेट बना सकते हैं। ऐसे ही हम सारे कटलेट बना लेंगे। कटलेट हमारे बनके तैयार हैं, अब हम इसे फ्राई करेंगे। अब हम स्लरी बनाएंगे के लिए 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 3 टीस्पून मैदा, 3 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट लेंगे। जिस बोल में पानी लिया है उसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लोर हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। मैदा हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है जिससे कि लम्स ना पड़े। हमारा अच्छे से मिक्स हो गया, अब इसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड करेंगे। स्लरी हमारी बनके तैयार है। हम एक कटलेट बॉल को उठाएंगे और स्लरी में डिप करके उस पर ब्रेड क्रम्स कोट करेंगे। अब हम कटलेट को डीप फ्राई करेंगे। जब कटलेट हमारे अच्छे से नीचे से हल्के से फ्राई हो जाए तब हम इसको स्पैचुला से पलट देंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे। कटलेट हमें तब तक फ्राई करने हैं जब तक कि ये डार्क ब्राउन कलर के ना हो जाएं। कटलेट डार्क ब्राउन कलर के हो गए हैं, अब हम इनको एक सर्विंग प्लेट या बोल में निकाल लेंगे। ऐसे ही हम सारे कटलेट फ्राई कर लेंगे।
हमारे बनके तैयार हैं। आप इसे गर्मा गर्म चाय के साथ या आप इसे सैंडविच या बर्गर में लगाकर भी खा सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।